Hi friends, how are you? I hope you are all fine. Today I discuss with you my third topic, time management is the keynote of success. In my last video, I discussed two principles, effort and feedback. Today I discuss fifth principle, task complexity, and to summarize it. But before it, I request you to please subscribe my channel and press the bell icon so that my all incoming videos meet you on time. Let's start my video. Task complexity. Kamu ki pichidgiyan. All difficulties of goals take in a one account. Tamam goals ki tamam mushkilat ko ek account mein le and give the facts aur haqaiq the. That it can effect on morals, productivity and encouragement. Ke ye ikhlaqiyat cheezon ko tartib dene aur hausla afzai par asar andaz ho sakti hain. Second, it can overcome on people. Ye logon par kabu pa sakti hain. Number 3, you must believe that aapko yakeen hona chahiye ki you give enough time to people for fulfill these goals. कि आपने इन गोल्स को पूरा करने के लिए लोगों को काफी टाइम दिया है. फोर्थ एंड लास्ट, इफ नेसेसरी, अगर जरूरत हो तो यू एडजस्ट द डिफिकल्टीज ऑफ इट, आप इसकी मुश्किलात को तरतीब दें. देयर गोल सेटिंग थ्योरी इन वर्कप्लेस. वर्कप्लेस पर गोल सेटिंग थ्योरीज में दो टाइप्स की हैं, करेक्ट एंड अनकरेक्ट, कि सही क्या और गलत क्या. Correct. You must know that आपको यकीन होना चाहिए कि all goals are completing, तमाम goals मुकम्मल हैं, and divide it amongst all salesmen equally before sales it. Sales से पहले आपको यकीन होना चाहिए कि तमाम goals complete हैं और तमाम salesmen में बराबर तकसीम हो गए हैं. That they reach the goal in certain time पीरियड, कि वो यकीनी टाइम सही टाइम के मुताबिक गोल्स तक पहुंच जाए. इनकरेक्ट गलत ये है कि यू कीप योर प्रोडक्ट ओनली वन सेलमैन फॉर सेल, आप सेल के लिए एक ही सेलमैन को अपने प्रोडक्ट दें एंड एक्सपेक्टेड दैट, और तवक्को करें कि ही रीचेस द गोल्स इन कर्टन टाइम पीरियड, कि वो एक यकीनी टाइम एक सही टाइम के मुताबिक आप गोल तक पहुंच जाएंगे. नाउ आई समराइज इट. टू समराइज, दे टेल अस इन अबव, वो हमें ऊपर बताते हैं. देयर गोल सेटिंग थ्योरी, अपनी गोल सेटिंग थ्योरी में वो हमें ऊपर बताते हैं कि व्हेन वी टारगेट एनीथिंग, जब हम किसी चीज़ को टारगेट करें एंड सेट द गोल्स, और गोल्स को सेट कर लें, वी फोकस इट until we get our goals. हमें अब तक अपने गोल पर अपने टारगेट करना है, अपने जब हम किसी चीज़ को टारगेट कर लें और उस गोल को सेट कर लें, तो हमें तब तक उस पर फोकस करना है जब तक हम अपने गोल्स पर अपने मकसद को हासिल ना कर लें. We encourage ourselves, हमें खुद को करेज करना चाहिए. Make a team, एक टीम बनाएं. Listen about our goals, अपने गोल्स के बारे में सुने. काफ़ी चीज़ें करें जिससे आपको पता चले. इट प्लेस वेरी विटल रोल फॉर रीच देयर गोल्स, ये हमारे गोल्स तक पहुंचने में, अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं. यस्टरडे आई डिस्कस सिस्टम सेटिंग, कल हम सिस्टम सेटिंग को देखेंगे कि सिस्टम सेटिंग का टाइम मैनेजमेंट तेरी के साथ क्या, टाइम मैनेजमेंट में क्या किरदार है. थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर, सी यू, बाय.